Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 19th November, so let's get started. First news is with respect to 5,000 troops for Manipur to quell violence. ये violence अब उस level पे पहुंच चुका है जहां अब ये किसी के control में नहीं है. Because एक तरफ वो लोग हैं जो आपके against violence कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हैं जो अपने आप को defend करने के लिए protect करने के लिए ही सही, लेकिन आपको भी violence का साथ देना पड़ रहा है. ठीक है, एक तरफ वायलेंस आपके अगेंस्ट यूज हो रहा है, दूसरी तरफ उसी वायलेंस से बचने के लिए आपको खुद भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए वायलेंस करना पड़ रहा है. राइट, तो क्वेश्चन सिर्फ एक उठता है कि आखिर क्यों आज तक यहां पर अभी तक प्रेसिडेंट रूल की बात नहीं हुई है. आपको याद होगा जब बंगाल में रेप केस हुआ था मेडिकल कॉलेज में, उस टाइम पर खुद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बस अब बहुत हो चुका, मुझे खुद कुछ करना होगा. बट आज तक ना तो प्रेसिडेंट ने इसके बारे में कुछ बात की है, ना ही गवर्नमेंट ने कोई जवाब दिया है कि आखिर क्यों यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अब तक इतना डिले किया जा रहा है. और अगर प्रेसिडेंट रूल से भी बात नहीं बनती है तो देन लास्ट ऑप्शन इज मार्शल लॉ. राइट, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है. एनीवे, उसमें कुछ नया नहीं है, वो इशू हम ऑलरेडी पहले कई बार समझ चुके हैं. नेक्स्ट इज दिल्ली चोक्स सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑल कर्ब टू स्टे टिल इट लिफ्ट देम एंड टेक CAQM टू टास्क फॉर डिलेड एक्शन. अब मैंने आपसे कहा था जब भी आप दिल्ली पॉल्यूशन, ये हर साल आता है, तीन चार चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. वन इज दिस कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सेकेंड इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान एंड थर्ड वन इज एयर क्वालिटी इंडेक्स. ठीक है, ये तीनों चीजें आपको अपने प्रिलिम्स के लिए क्लियर होनी चाहिए. ओके, देन इससे पहले एक बॉडी हुआ करती थी एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट, EPCA. ठीक है, उसी को रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ये बॉडी बनाई गई थी. ठीक है, सो पहले बॉडी हुआ करती थी EPCA, इस बॉडी को ही रिप्लेस किया है CAQM ने. ठीक है, तो हम इन पे जल्दी से एक एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं. फर्स्ट इज CPCB, इस पे क्वेश्चन आया भी था, दो बॉडीज पे था और दोनों में पूछा गया था स्टैट्यूटरी बॉडी है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है उस टाइप की. ठीक है, तो CA सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, कंस्टिट्यूट की गई थी 1974 एंड अंडर किस एक्ट में कंस्टिट्यूट की गई है ये बात याद रखना भी जरूरी हो जाती है. बिकॉज जब पॉल्यूशन की बात आएगी तो आपको मोस्टली लगेगा कि एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड होगा. राइट, बट दिस बॉडी वॉज एक्चुअली कंस्टिट्यूटेड अंडर द वॉटर पॉल्यूशन एक्ट 1974. राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर फॉर योर एग्जाम. सेकेंड इज इसे पावर एंड फंक्शन दिए गए बाद में अंडर द एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑल्सो. ठीक है, यानी कि वाटर एक्ट के अंडर की प्रोविजन तो इंप्लीमेंट कर ही रहा था, लेकिन अब उसको डेलीगेट कर दी गई पावर कि आप एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंडर में भी जो मेजर्स लेने वो पावर भी आपको डेलीगेट की जाती है. देन नेक्स्ट इज ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और ओवरऑल इसके जो एक एक्ट है हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट उसके प्रोविजन को एनफोर्स करने में टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री को. एंड इट ऑल्सो एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर एज वेल एज वाटर पॉल्यूशन. राइट, ये बात हुई CPCB की. हालांकि ये अभी न्यूज में नहीं है, न्यूज में है हमारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. नाउ दिस इज अगेन ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका अपना एक्ट बनाया गया 2021 में. पहले EPCA हुआ करता था, उसकी फंक्शन ठीक नहीं रही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बॉडी को खत्म कीजिए, न्यू बॉडी बनाइए. न्यू बॉडी बनी CAQM और फिर इसके लिए प्रॉपर एक एक्ट इनेक्ट किया गया ताकि इसको दर्जा दिया जा सके स्टैट्यूटरी बॉडी का. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज ये याद रखिए कि ये पूरे NCR रीजन पे इसके नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे, इसकी जो पावर है वो इन सभी स्टेट्स पर भी लागू होगी जो NCR टेरिटरी में आते हैं, चाहे वो हरियाणा हो या राजस्थान के कुछ जिले हो या फिर UP के कोई जिले हो, ये सब आएंगे. जितना भी दिल्ली के अराउंड का पूरा NCR का रीजन है उस पूरे पे ये मेजर्स लागू होते हैं. ओके, सो इसलिए इसका पूरा नाम ही रखा गया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज, नॉट जस्ट दिल्ली. ओके, इसका काम है कोऑर्डिनेशन करना, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स सराउंडिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड फॉर दैट मैटर कनेक्टेड देयर विद. ओके, नेक्स्ट इज इसकी पावर्स. नाउ ये याद रखिए क्योंकि शायद पूछा भी जा सकता है सीधे. ठीक है, फर्स्ट इज ये ऑर्डर जारी कर सकता है फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द एक्टिविटीज जिनकी वजह से एयर क्वालिटी डेटोरिएट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल पावर प्लांट वगैरह है तो उनको कुछ टाइम के लिए बंद कराया जा सकता है. नेक्स्ट इज इट विल कंडक्ट रिसर्च रिलेटेड टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन इंपैक्टिंग एयर क्वालिटी, इट कैन प्रिपेयर कोड्स एंड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉडी को फटकार लगाई है कि आप एग्जिस्टेंस में हो फिर कर क्या रहे हो आप, अगर ये 2021 से आपको एस्टैब्लिश किया गया है 2024 चल रहा है तो फिर आप क्यों फेल हो रहे हो बार बार.
Next is it can issue directions on matters including inspections or regulation which will be binding. Now this is important thing कि यहाँ पर ये जो भी direction या guidance देगा आपको regulations बनाएगा वो binding होंगे on concerned person as well as authority. ओके ये बाइंडिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा और स्टैट्यूटरी बॉडी भी है ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट इज द कमीशन इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट. दिस इज द थर्ड पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर फॉर योर एग्जाम. ओके ये बॉडी जो है ये डायरेक्टली अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट में. ये किसी मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल नहीं है. ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री या अर्बन मिनिस्ट्री इससे कुछ पूछ सकती. नो इट इज अकाउंटेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट. ओके ऑल द डायरेक्शंस एंड ऑर्डर बाय कमीशंस आर बाइंडिंग नेचर. एनी पर्सन ऑफिसर अथॉरिटी शैल बी बाउंड टू कंप्लाई विद द सेम. ठीक है ये बात हुई हमारी सीए क्यूएम की. नेक्स्ट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स. ये लॉन्च किया गया था 2014 में जो कि आपको कलर कोड के हिसाब से जैसा जैसा पॉल्यूशन बढ़ेगा उस हिसाब से आपके कलर कोड बढ़ते जाते हैं. इसमें आपको याद रखने हैं कौन से 8 पॉल्यूटेंट्स को ये कवर कर रहा है. तो ये दोनों इजी है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 10. ठीक है उसके अलावा एसिड रेन किससे होती है हमारी NO2 SO2. ठीक है ये भी याद रह जाएगा. देन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन एंड फाइनली अमोनिया एंड लेड. ठीक है ये अमोनिया एंड लेड है जो आपसे एग्जाम में गलती कराता है. इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं आगे भी पूछेगा कि इनमें से कौन से पॉल्यूटेंट्स को टारगेट कर रहा है या हमारे पास मेजरमेंट आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में निकल के. ओके सो ये 8 पूरे जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनके नाम याद रखिएगा. नेक्स्ट थिंग इज ये कलर कोड है अलग अलग कलर्स में डिफाइन करता है इनको 6 डिफरेंट टाइप के कलर्स और 6 डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज. जब इनका मेजर 0 to 50 होगा तो इट इज कंसिडर्ड एज गुड. 50 to 100 सेटिस्फैक्ट्री देन मॉडरेट देन पुअर देन वेरी पुअर एंड 400 के बियॉन्ड सीवियर हो जाता है. अब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें बेस्ड कि हमारा क्या चल रहा है कितना पॉल्यूशन लेवल चल रहा है डिपेंडिंग ऑन दी वन कलर वन कोड सिस्टम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया गया है दैट इज कॉल्ड एज ग्रैप. ओके ये होते हैं एक तरह के इमरजेंसी मेजर्स. अब एक पॉइंट जो मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा जो एग्जाम में गलती कराएगा वो ये है कि यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि जो रिस्पॉन्स दिए गए हैं ये थ्रू आउट द ईयर इन स्टेट्स को फॉलो करने होंगे. नो नॉट थ्रू आउट द ईयर. These are the emergency measure जो depending कि जब आपका pollution यहाँ moderate level से ऊपर चला गया है तब आपको इस तरह के measure implement करने. ये कोई ऐसे measure नहीं है जो throughout the year implement किए जाएंगे. ठीक है ये point याद रखिएगा ये exam में आपसे गलती करा सकता है. It is a set of emergency measure that kick in to prevent further deterioration of air quality once it reaches its certain threshold in the Delhi NCR region. इसको अप्रूव किया था सुप्रीम कोर्ट ने इन 2016 में और नोटिफाई कर दिया गया था बाय गवर्नमेंट इन 2017. ये जो बॉडी हुआ करती थी पहले EPCA एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी. इसने स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज एक्सपर्ट और इन सब के साथ मिलके ये तैयार किया था कि हम लोग इमरजेंसी में किस तरह के मेजर यूज कर सकते हैं. ओके सो रिमेंबर दिस वर्ड दैट इट वर्क्स ओनली एज एन इमरजेंसी मेजर. अच्छा एनी वे वो जो हमने ऊपर सी ए क्यू एम देखा उसको हेड कौन करता है उसको हेड करते हैं आपके सेक्रेटरी लेवल के ब्यूरोक्रेट. ओके उसको कोई मिनिस्टर हेड नहीं करता. ओके नेक्स्ट इज यहाँ पे कैटेगरी देख लीजिए क्योंकि अब दिल्ली में अभी लागू कर दिया गया है 4 लेवल दैट इज EQI अबव 450. इसमें सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रोक दी जाएंगी. कोई अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्कूल्स बंद कर दिए गए कल से यहाँ पर और व्हीकल पे भी काफी लिमिटेशंस लगा दी गई हैं. ठीक है तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है. EQI जो है वो आपका 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है कलर बेस. ठीक है लेकिन ग्रेडेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो है वो 4 लेवल पे चलता है ग्रैप 1 ग्रैप 2 ग्रैप 3 एंड ग्रैप 4. ओके ये याद नहीं रखना है अंदर कि क्या क्या बंद हो जाएगा क्या नहीं बट इतना याद रखिए कि हाँ कुछ कुछ मेजर्स लिए जाते हैं. अब यहाँ पर ये जो लिखा है ना व्हीकल एंट्री पे बैन लगा दिया जाएगा. हाँ लगा दिया जाता है कि बाहर से जो ट्रक आ रहे हैं एनसीआर में वो नहीं आएंगे बट एक्सेप्शन है एसेंशियल कॉमोडिटीज के लिए. लाइक ऐसा नहीं है कि मिल्क लेकर कोई ट्रक आ रहा है तो आप उसको रोक देंगे कि नहीं अभी आपको जाना अलाउ नहीं है. वो एसेंशियल कॉमोडिटी है वेजिटेबल एसेंशियल कॉमोडिटीज है. एसेंशियल कॉमोडिटीज के ट्रक्स की या व्हीकल की एंट्री नहीं रोकी जाती है लेकिन जो दूसरे टाइप के ट्रक्स हैं नॉन एसेंशियल उनको रोक दिया जाता है जब ग्रेड ग्रैप 3 फोर्स में होता है. ओके तो यहाँ पे हमने इन तीनों बॉडीज के बारे में जान लिया. ये ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है दिल्ली में. एंड यहाँ पर एक और चीज है फार्म फायर्स. अब फार्म फायर्स का यहाँ पे बोला जा रहा है कि पिछले 5 साल में सबसे कम पराली जलाई गई है पंजाब हरियाणा में. बट इसमें अंडर रिपोर्टिंग का केस है ये क्योंकि
यहाँ पर हम लोग हीट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो लगे होते हैं, जो मेजर करते हैं कि यहाँ से कितनी हीट निकल रही है, यानी कि बर्निंग हो रही है किसी तरह की, ये मेजर करती है नासा की दो सैटेलाइट, दैट इज सुओमी एनटीपी एंड नोआ 20 पोलार ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। लेकिन इन सैटेलाइट्स के में दिक्कत ये है क्योंकि ये पोलार ऑर्बिट में घूम रही है, तो ये इस रीजन से सिर्फ दिन में 2 बार गुजरेंगी। अब सपोज हम मान लेते हैं कि एक बार ये विजिट करती है सुबह 11 बजे, एक बार करती है रात को 11 बजे, तो ये दो टाइम पे जितनी फायर लग रही होंगी एग्रीकल्चर फील्ड में, पराली जल रही होगी, ये उसको तो मेजर करेगा, बट इस टाइम फ्रेम के अदर देन बीच में या बाद में जो बर्निंग की जा रही है उसको मेजर ये नहीं करता। ओके, सो ये जो करंट अप्रोच है इसे चेंज करने की हमें जरूरत है, बिकॉज दिस करंट अप्रोच टू ट्रैकिंग ऑफ फार्म फायर मे लीड टू अंडर रिपोर्टिंग। आप सिर्फ उतनी रिपोर्टिंग कर पा रहे हो जितनी आपने दो टाइम पर जलते हुए देखी, क्योंकि आप जिस सैटेलाइट से मेजर कर रहे हो वो है पोलार ऑर्बिट में एंड वो इस प्लेस से गुजरती है सिर्फ दिन में 2 बार, राइट? तो एक और चीज यहां से आपको एक पॉइंट मिलता है कि अगर हमें सही सही डेटा चाहिए कि फार्म फायर्स कितनी अभी भी प्रैक्टिस की जा रही है, तो उसके लिए हमें अपने खुद के सैटेलाइट्स में ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी को बेटर करना होगा। ओके, तो ये बात हुई फर्स्ट फर्स्ट न्यूज आर्टिकल की। अब हम चलते हैं सेकंड पे। आज हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अच्छा, यहाँ पे ये छुटपुट न्यूज है बट इधर उधर आपको फॉर्डर पॉइंट की तरह काम आती है, इसलिए हम न्यूज़पेपर के थ्रू करते हैं रादर देन कि मैं आपके पास दो तीन टॉपिक लेके आ जाऊं और उनको डिस्कस करूं। ठीक है, वो कंप्लीट न्यूज एनालिसिस नहीं होता, वो सिर्फ आपने ठीक है मेंस के लिए दो तीन टॉपिक कर लिए रोज, बट वो तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं मेंस रिविजन सीरीज में। बट यहाँ पर देखिए जरा, तमिलनाडु सीएम फ्लैग स्टेट्स 3 मेन चैलेंजेस टू फाइनेंस कमीशन। अब ये जो 16 फाइनेंस कमीशन सेटअप हुआ है उसके साथ में हमेशा से पिछले कुछ टाइम से जो सदर्न स्टेट्स हैं इनके हमेशा कंसर्न रहे हैं कि आप लोग नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन को इतना ज्यादा वेटेज दे देते हो, ठीक है, और दूसरा उनके एरिया, अब जैसे यूपी है, राजस्थान है, ये एरिया वाइज काफी बड़े हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है, बट ये तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये छोटे हैं, ठीक। तो ये दो जो डोमेन है, अब मैं उनमें नहीं जाऊंगा वापस से कि क्या क्राइटेरिया यूज करती है हमें फाइनेंस कमीशन, वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले। लेकिन जो दो मेजर कंसर्न है, पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ द स्टेट, इस वजह से जो डिवोल्यूशन होता है उसमें सदर्न स्टेट्स को काफी कम शेयर मिलता है जबकि नॉर्दर्न को ज्यादा मिल जाता है। अब सदर्न स्टेट, मैंने आपके साथ एक और मेंस का सेशन किया था डेमोग्राफिक डिविडेंड पे, उसमें मैंने आपसे कहा था कि हम हमेशा बात कर रहे हैं कि देखिए हमारी तो 65% पॉपुलेशन अंडर 35 है, बट ये यूनिफॉर्म नहीं है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की विंडो है ना, ये नॉर्दर्न स्टेट्स में ये ओपन रहेगी अगले 20, 30, 40 साल भी, लेकिन सदर्न स्टेट में ये डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो जो है वो हार्डली 15 ईयर्स और रहेगी, उसके बाद ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सदर्न स्टेट्स में क्या है, अब एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगी और जो यूथ पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी धीरे धीरे, राइट? तो इनका एक तो ये कंसर्न है कि आप हेल्थ जो इंडिकेटर्स हैं हमारे उसका ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं थोड़े, सदर्न स्टेट्स हमारे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो अर्बनाइजेशन इनके यहाँ पर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो इन्होंने तीन चैलेंजेस हायर किए, चैलेंजेस की बात की है। अब इन तीनों चैलेंजेस को आप यूज कर सकते हो ओवरऑल सदर्न स्टेट्स के कंटेक्स्ट में भी, या फिर ओवरऑल की 2040 तक पूरे इंडिया की सिचुएशन कुछ इसी तरह की होगी। फर्स्ट इज इंपैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक, वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ, चेन्नई में हीट वेव्स आई, राइट, पंजाब में भी हीट वेव्स आई, तो नेचुरल डिजास्टर्स के इम्पैक्ट बनेंगे और नेचुरल डिजास्टर को एक वेटेज देने की जरूरत है अब फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन फॉर्मूला में। दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज राइज इन नंबर ऑफ एल्डरली पीपल। सदर्न स्टेट्स में एल्डरली पॉपुलेशन अब ग्रो होगी तो ऑब्वियस बात है कि इनको हेल्थ पर, और नॉट जस्ट हेल्थ बट जो सोशल वेलबींग होती है उस पर पूरा खर्च करना होगा, ठीक है, वो चाहे उनके लिए आप न्यूट्रिशन की बात कर लीजिए, हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए, या फिर ओवरऑल हेल्थ सिक्योरिटी की बात कर लीजिए। तो ये इनका सेकेंड इंपॉर्टेंट डोमेन है जिसके लिए ये फाइनेंस कमीशन के पास आए थे। एंड थर्ड इज द नीड्स अराइजिंग ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन। अब क्योंकि यहाँ पे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग चेन्नई को ले लें, ठीक है, ऐसी कई सिटीज है वहां, ओके, और भी सदर्न स्टेट में, तो मेट्रो की जरूरत भी उनको उतनी ज्यादा होगी कम्यूटेशन में, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट जितना कॉस्टली होता है वो अकेले कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं फाइनेंस कर सकती उसे, ठीक है, और प्राइवेट वालों से अगर आप फाइनेंस कराओगे तो फिर वो टिकट उतने हाई रेट के होंगे जो इंसान थोड़ा अफोर्डेबल नहीं रह पाएगा बाद में। तो हमेशा से ये कोशिश होती है कि सेंटर आपको अच्छा खासा फंड दे फॉर मेट्रो प्रोजेक्ट्स। ओके, तो ये जो तीन इन्होंने कंसर्न रेज करें, नेचुरल डिजास्टर, सेकेंड इज एल्डरली पॉपुलेशन एंड थर्ड वन रैपिड अर्बनाइजेशन, इन तीनों को दिमाग में रखा जाए फंड्स के डिवोल्यूशन में। और ये सेकेंड वाला चलो एक बार को हटा भी दें, बट फर्स्ट वन एंड थर्ड वन
ये पूरे इंडिया पर भी उतना ही इक्वली वैलिड है, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर सभी जगहों पे आ रहे हैं, हिमालयन रीजन्स में भी आ रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फंड भी डिमांड किया है, एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया भी डिमांड किया है कि हमने थोड़ी ना जिम्मेदारी ली है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, दिस हिमाचल उत्तराखंड। तो उन्होंने कहा था कि या तो आप हमें एक अलग से सेस दीजिए, ठीक है, ताकि एक टैक्स का रेवेन्यू का सोर्स मिले हमें, राइट। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे मुझे लगा कि हम इसको यूज कर सकते हैं आंसर में अलग अलग जगह पर। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये ऑलरेडी इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपके साथ प्रीलिम्स में अभी जो 2 सेशन डिस्कस करे हैं एक दिन पहले साइंस टैग में, उसमें मैंने आपको 2-3 डिस्कवरीज भी बताई थी जो इंडिजिनसली इंडिया ने की है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स की वजह से होता है, तो इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर। ओके, तो वो सब इसलिए मैं आपको जो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज भी करा रहा हूँ उसमें आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये एज अ फॉर्डर पॉइंट भी आपके आंसर को एनरिच करेगा मेन्स में, ठीक है। तो प्रेपरेशन जो होती है पूरी हॉलिस्टिक ही होती है, प्रीलिम्स या मेन्स की प्रेपरेशन को आप सेपरेट नहीं कर सकते। बाकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे हम ऑलरेडी मेन्स 450+ में टॉपिक तैयार कर चुके हैं और उसमें मोर देन इनफ कंटेंट है, आप आराम से अपना आंसर लिख लोगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तेज सभी भी आपसे मेन्स में पूछा जरूर जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हमारे जो न्यू सीएजी हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया है, संजय मूर्ति, और जो मुर्मू जी थे वो अब एग्जिट कर चुके हैं। बट सीएजी आपका काम है कि आप पॉलिटी से अपना पढ़ लें इसको, ठीक है। अगर मुझे कराना भी होगा तो मैं जो रिविजन सीरीज है उसमें कराऊंगा पॉलिटी मॉड्यूल में, यहाँ पे हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते इसको, अभी हमारे पास और भी काम की चीजें हैं। दूसरा, अब जो हमने रशिया की बातें की, रशिया के पास कनेक्टिविटी की, तो हमारे पास 2 ही रास्ते थे। एक, वेस्ट में हम लोग कैस्पियन सी के थ्रू होते हुए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू जाएं, ठीक है, या फिर दूसरा हमने ईस्टर्न साइड से चाइना के थ्रू होते हुए, ठीक है, मतलब साउथ चाइना सी के थ्रू होते हुए हमने एक न्यू कॉरिडोर बनाने की कोशिश की, चेन्नई व्लाडिवोस्टोक मैरिटाइम कॉरिडोर, जो कि रशिया की जो फार ईस्ट रीजन है उसको कनेक्ट करेगा हमारे चेन्नई से। ओके, नाउ ये जो फार ईस्ट है इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें अल्टीमेटली कनेक्टिविटी भी चाहिए, ठीक। उधर से तो प्रॉब्लम है, जो लंबा रूट घूम के आना है स्विस, उसका एक ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए एक तो INTC को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ईरान का मैटर अटक रहा है, उस पर सैंक्शन लग गए, तो ये उतनी जल्दी ऑपरेशनल नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो चेन्नई व्लाडिवोस्टोक मैरिटाइम कॉरिडोर था ये ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है एंड ट्रेड स्मूथली चल रहा है यहाँ से। चेन्नई व्लाडिवोस्टोक ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर इज ऑपरेशनल एंड इट इज कैरिंग फूड ऑयल एंड मशीन्स। इंडिया एंड ग्रीस, अब ग्रीस का क्या रोल है? देखिए ग्रीस वो पॉइंट है जहां पर हमारा जो IMEC कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, वो वहां जाकर टर्मिनेट होगा, ठीक है। सो इंडिया एंड ग्रीस वुड वर्क टूगेदर ऑन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, वो भी एक ऑल्टरनेटिव भी डेवलप किया जा रहा है स्विस कैनाल का, राइट। और उसका तो माना भी जाता है कि करीब वो 40% जो टाइम है उसको डिक्रीज कर देगा और कॉस्ट भी डिक्रीज करेगा। बट अब यहाँ पे बात आती है कि जब मैरीटाइम की बात हो रही है तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है, हमें सारे डोमेन पे वर्क करना है, अपने पोर्ट ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाना है। दैट इज कि हमारे यहाँ पर एक शिप आई तो सारा जो पेपर वर्क होना है, कस्टम्स की जो फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है, शिप का टर्न अराउंड टाइम जो होना है, पूरी चेकिंग जो होनी है वो सब स्मूथली हो, ताकि विद इन 8 आवर्स 10 आवर्स शिप टर्न अराउंड करके आगे निकल जाए। ये नहीं कि 2-2 दिन तक वो पोर्ट पे खड़ी हुई है, वो होता है जब आपका पूरा कस्टम का सिस्टम बहुत ही इनएफिशियंट हो, राइट। तो हमें जब मैरीटाइम पावर बनने की हम लोग बात करते हैं तो हमें हर मैरीटाइम के हर डोमेन पे वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल पोर्ट ऑपरेशंस इंप्रूव करने, कार्गो हैंडलिंग को ज्यादा एफिशिएंट एंड फास्टर बनाना है, शिप ओनरशिप, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी जो शिप है उसमें ओनरशिप सब फॉरेनर्स की है, इनफैक्ट हमारे यहाँ तो कंटेनर की भी शॉर्टेज है, और जो इंडिजिनस के हम लोग कंटेनर बना रहे हैं ये हमने थोड़े दिन पहले देखा भी था, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो हमने डिस्कस किया था कि आज भी हमारे यहाँ कंटेनर की जो कॉस्ट है वो चाइना से ऑलमोस्ट डबल है, तो कौन परचेज कर रहा है? हम लोग खुद ही चाइना से इंपोर्ट कर रही है हमारी प्राइवेट कंपनीज कंटेनर्स, राइट। शिप बिल्डिंग में हम लोग आज कहीं स्टैंड नहीं करते, एंशियंट टाइम मिडाइवल टाइम में हम लोग सबसे आगे थे शिप बिल्डिंग में। शिप रिपेयर रिसाइकलिंग, अनांग आपने नाम सुना होगा गुजरात में, ठीक है, वहां पर शिप रिसाइकलिंग सबसे ज्यादा होती है, हमारे यहाँ बांग्लादेश में भी बहुत होती है। ओवरऑल टेक्नोलॉजी एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, ये सारी चीजों में हमें वर्क करना है अगर हम अपनी मैरीटाइम पावर को इंप्रूव करना चाहते हैं। मैरीटाइम पावर इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू मिलिट्री, बट ओवरऑल इन द इकोनॉमी हमें अगर अपनी मैरीटाइम डोमेन को इंप्रूव करना है तो हमें इन सारे वर्टिकल्स पे काम करना होगा, राइट। और ये सारी बातें क्यों हो रही है? ये हो रही है क्योंकि यहाँ पे एक एडिशन चल रहा है सागर मंथन का,
जहाँ पे सारे लोग आके अच्छी अच्छी बातें करते हैं सर। व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर की बात है, इट वुड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट कार्गो बिटवीन इंडिया एंड रशिया फार ईस्ट रीजन बाय अप टू 16 डेज। ठीक है, 16 डेज कम हो सकता है रशिया से इंडिया ट्रांसपोर्ट, अगर हम इस कॉरिडोर को पे ही वर्क करें ज्यादा एफिशिएंटली। G20 के टाइम लॉन्च हुआ था आईमैक। ओके, इंडिया से कहाँ जाएंगे पहले? यूएई, यूएई के बाद सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल एंड देन वहां से होते हुए इटली, फ्रांस एंड ग्रीस में जाएंगे। ठीक है, यानी यूरोप और इंडिया को कनेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था G20 समिट जब इंडिया में चल रहा था। अब 2 दिन पहले हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि यहाँ पे जो इसका ईस्टर्न हैंड है, ईस्टर्न लिम्ब, इंडिया से यूएई, इसमें तो कनेक्टिविटी हो रही है। ठीक है, दोनों कंट्री से भी ट्रेड भी बढ़ रहा है, दोनों के बीच में सीपा साइन भी हुआ है, तो यहाँ पे चीजें ठीक है। लेकिन उसके बाद जो इसका वेस्टर्न लिम्ब है सऊदी अरेबिया से इसराइल, ये पूरा डोरमेंट पड़ा हुआ है ड्यू टू द ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट इन दैट रीजन। राइट, तो चलिए एक चीज तो अच्छी है कि इसका ईस्टर्न लेग तो तैयार हो रहा है पूरा इंडिया और यूएई का। लेकिन उसमें भी हमने बात की थी, अगर आपने सुना होगा वो डिस्कशन 2-3 दिन पहले, तो उसमें भी हमने बात की थी कि यहाँ पे अभी तक जितनी भी डेवलपमेंट देखे गए वो सिर्फ कनेक्टिविटी को लेकर है। हमने इसी में बात इसी में ये भी कहा था कि एनर्जी ग्रिड वगैरह बनाएंगे, राइट, ये सारी चीजें होंगी, रिन्यूएबल एनर्जी में कॉपरेट करेंगे, और भी चीजों की बात हुई थी, लेकिन उन सब पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभी पूरा डेवलपमेंट सिर्फ कनेक्टिविटी इंश्योर करने पर है, क्योंकि जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पूरे रीजन में, तब तक IMEC में ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। नो, ये पॉइंट ठीक है, आप यूज कर सकते हो इनको। रिमोट वर्क लीड्स टू सेविंग्स एंड राइज इन प्रोडक्टिविटी, बट देयर आर कॉन्स टू। नो, जब आपको ऑप्शन दिया जाता है कि यू कैन वर्क फ्रॉम होम, ओके, कोई इशू नहीं है, आप वहां से कर लो, तो एक तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन, जो आपकी कम्यूटेशन कॉस्ट है, ठीक है, यहां से जाना ऑफिस तक, वो सेविंग होती है आपकी, राइट, दैट इज वन थिंग। ठीक है, आप अपने घर से, अपने कंफर्ट से, अपने टाइम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो कि ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मुझे 9 बजे वर्क करने बैठना है, मैं आराम से 11 बजे कर लूंगा या लेट नाइट तक कर लूंगा, तो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है कि हाँ, मैं उस टाइम पे कर रहा हूँ व्हेन आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक और आई एम फीलिंग मोर रिफ्रेश। तो सेविंग्स हो रही है इससे, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, बट इसके कुछ कॉन्स भी हैं, और जिसमें सबसे बड़ा कॉन है कि आपको एक अपना प्रॉपर वर्किंग स्पेस नहीं मिल पाता। ठीक है, फैमिली के साथ अगर आप रह के वर्क कर रहे हो तो वो प्रॉपर वर्किंग स्पेस नहीं होता, उतना ज्यादा फोकस भी नहीं होता है जितना कि आपको ऑफिस वगैरह में होता है। ठीक है, तो ये जो रिमोट वर्क है या वर्क फ्रॉम होम है, उसके प्रॉस हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। वर्क फ्रॉम होम जो कि कोविड के टाइम ज्यादा न्यूज में रहा, उस टाइम ऑफिस जब बंद हुए थे, देर हैज बिन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द कम्यूट टाइम। ओके, ट्रैवल नहीं करना है आपको, एंड कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, देर इज फ्लेक्सिबिलिटी टू लिव इन मोर अफोर्डेबल एरियाज, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आपको अपने ऑफिस के नजदीक ही रहना होगा, ठीक है, ताकि ऑफिस जल्दी पहुंच सको, क्योंकि फिर सभी अगर वहीं पर रहना शुरू कर दे तो क्या होता है कि आपकी जो रेंटल कॉस्ट है फ्लैट वगैरह की, वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर मेरे पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, मेरे पास रिमोट वर्किंग का ऑप्शन है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं 3-4 मेट्रो स्टेशन पीछे जाके रह लूंगा जहां पे रेंट थोड़ा कम होगा। तो इन दो तरीके से, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई, दैट इज माई कम्यूटेशन, ठीक है, मुझे रोज ट्रेवल करके नहीं जाना है, दूसरा दैट आई कैन अफोर्ड अ रेंटल हाउस बिट अवे फ्रॉम दी वर्किंग प्लेस, ठीक है, जहां पे रेंट कम होगा, तो उससे सेविंग्स तो हुई है, नो डाउट। ओके, इट हैज रिड्यूस द प्रेशर ऑफ हाई रेंटल कॉस्ट, एंड घर से करना है तो आई कैन रेस्ट अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल नीड्स। दिस लेड टू डिफिकल्टी इन सेपरेटिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ। लेकिन कौन ये है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ और वर्क, इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पा रहा है। दी एम्प्लॉयज लैक डेडिकेटेड अनडिस्टर्ब्ड वर्क स्पेस एट दी होम। घर पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता ही है, जैसा कि आपकी स्टडीज के साथ भी रहता है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं हु आर अनेबल टू मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन। अब जैसे यूपीएससी है, अगर अगर मैं ऑप्शनल को हटा दूं तो बाकी चीजें खुद से भी तैयार की जा सकती हैं, बट क्यों नहीं कर पाते हैं बच्चे? ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो यही वर्क वालों के साथ भी होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स के लिए भी सेविंग हुई रिमोट वर्क के थ्रू, क्योंकि उनको ऑफिस का रेंटल कॉस्ट बच गया, ऑफिस वर्क के लिए उनको एक जगह नहीं लेनी पड़ेगी एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, तो ये जिसकी कंपनी है या एम्प्लॉयर है जो छोटा मोटा, उसके लिए भी एक फायदा हो गया। सेकेंड इज इट रिड्यूस द एक्सपेंसिस रिलेटेड टू मीटिंग्स विद क्लाइंट्स एंड इंटरनल मीटिंग्स। ये सारी चीजें हो गई, रिजल्टेड इन, बट अल्टीमेटली उसकी साइड से लॉस क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन लेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डेट्रीमेंटल टू टीम वर्क। अब क्योंकि सभी रिमोट वर्क कर रहे हैं तो वो टीम वर्क नहीं है, वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है उसमें, और फिर आपने एक पीपीटी बना के भेजा, सामने वाले ने फिर उसमें कमी निकाली, फिर आपके पास आया, फिर आप उसको एडिट करने बैठे हो। तो ये कुछ प्रॉस हैं, कॉन्स हैं, और अल्टीमेटली परफॉर्मेंस बेस्ड मॉनिटरिंग एंड इंक्रीज रिलायंस ऑन ट्रस्ट। अब यहाँ पे बस दो ही चीजें रह जाती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आप
कि सैलरी डिसाइड होगी एंड एक बस ट्रस्ट पे चल रहा है कि हाँ ये आदमी सही से काम करेगा घर से भी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए एक एक दो दो पॉइंट हैं यहाँ पे आपके लिए। उसकी कुछ सेविंग्स वगैरह हो गई हैं, उसका एक मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो गया है, एम्प्लॉयर के लिए भी कुछ सेविंग्स हो गई हैं, ऑफिस स्पेस वगैरह नहीं करना है, एसी लाइट्स का बिल उतना ज्यादा नहीं आ रहा, तो उसकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बढ़ सकता है। बाकी बस वन और टू पॉइंट्स थे दोनों के काम के। एनीवे, यहाँ पे अब G20 समिट शुरू होगा ब्राजील में, तो यहाँ पे मोदी जी ने ढेर सारे बोल बच्चन बातें की है, बट वो बोल बच्चन हो सकते हैं बट एग्जाम में तो लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट इज द लॉन्च ऑफ ग्लोबल अलायंस टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड हंगर दैट हैज बीन सपोर्टेड बाय एट लीस्ट 80 नेशन। तो फर्स्ट थिंग यहां से जो निकल के आई है, दैट हैज बीन अ लॉन्च ऑफ ग्लोबल अलायंस टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब पॉवर्टी एंड हंगर में मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें की है, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। अब ये पॉइंट है जो आप प्लीज अच्छे से लिख लीजिए, जैसे वॉर को लेके मैंने दो चार मोदी जी की स्टेटमेंट बार बार आपके सामने रिपीट करें, ओके, उसी तरीके से ये याद रखिएगा। इंडिया बिलीव्ड इन अप्रोच ऑफ बैक टू बेसिक्स और मार्च एंड मार्च टू द फ्यूचर, यानी कि हमें पीछे वापस से बेसिक्स की तरफ भी जाना है, लेकिन मार्च कहाँ करना है, आगे फ्यूचर की तरफ। ठीक है, तो ये लाइन अपने नोट्स में लिख लीजिए, इंडिया बिलीव्ड इन द अप्रोचेस ऑफ बैक टू बेसिक्स एंड मार्च टू फ्यूचर। अब ये बात इन्होंने किस कंटेक्स में बोली है, ही सेड दैट नाउ वर्ल्ड इज एम्फेसाइजिंग ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, वी आर पॉपुलराइजिंग मिलेट्स जो कि गरीबों के न्यूट्रिशन के लिए सबसे हेल्दी माना जाता है, वी आर एनकरेजिंग क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप वेराइटीज। ठीक है, ये फ्यूचरिस्टिक है कि क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है, तो हमें न्यू न्यू क्रॉप वेराइटीज डेवलप करनी होंगी जो उस हीट स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके, फ्लड्स को टॉलरेट कर सके, राइट। तो हम लोग यहाँ पे फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम लोग बेसिक्स की तरफ भी जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा जरूरी है, हमें मिलेट्स जैसी चीजों को ज्यादा पॉपुलराइज करने की जरूरत है, रादर देन कि ये विटामिन की कैप्सूल ले लो, ये प्रोटीन शेक ले लो, नो नॉट दैट। ओके, तो इसके कंटेक्स्ट में मोदी जी ने कहा इंडिया बिलीव्ड इन बैक टू द बेसिक्स एंड मार्च टू द फ्यूचर। तो ये पैराग्राफ अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना। ओके, बाकी अब मोदी जी के बोल बच्चन पे चलते हैं हम। इंडिया हैज पुल्ड आउट 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 10 ईयर्स, एटलीस्ट इनको ऐसा लगता है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। सेकेंड इज 80 करोड़ लोगों को ये फ्री फूड ग्रेन दे रहे हैं। ठीक है, अगर 80 करोड़ को आपको फ्री फूड ग्रेन देना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपने इकोनॉमी का सत्यानाश किया है पिछले 10 साल में। ठीक है, नेक्स्ट इज 50 करोड़ पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम वर्ल्ड बिगेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, बट यहाँ पे 55 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिला है ऐसा ही क्लेम कर रहे हैं, बट उसमें जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी और जो करप्शन के स्कैम्स आए थे कि एक ही मोबाइल नंबर पे 9.5 लाख आईडी कार्ड बना दिए गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसका मिसयूज कर रहे हैं, बेवजह सर्जरी कर रहे हैं ना जरूरत नहीं है तो भी, ताकि उसके थ्रू गवर्नमेंट से फिर पैसा आएगा। नहीं, वो सब अपनी छोटी चीजें हैं, लेकिन चलिए ठीक है, अब मोदी जी ने वहां बोला है तो हमें लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, सो पॉवर्टी को लेके 25 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज 80 करोड़ लोगों को हम फ्री फूड ग्रेन दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट, 55 करोड़ लोगों को हमने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दी है। फिफ्थ पॉइंट, 6 करोड़ सीनियर सिटीजन जो 70 से ऊपर है उनको भी अब ये हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया गया है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। ठीक है, दैट इज फिफ्थ वन। देन सिक्स, 30 करोड़ वेमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को हमने बैंक अकाउंट देकर क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड किया, दिस इज 6 वन फॉर वेमेन। देन इसके अलावा एग्रीकल्चर में इंश्योरेंस की बात की है, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ओवर 40 मिलियन, दैट इज 4 करोड़ फार्मर्स हैव बीन रिसीव बेनिफिट वर्थ $20 बिलियन। सेवन, इंडिया हैज डेवलप 2000 क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप वेराइटीज एंड हैज स्टार्टेड द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन मैं आपके साथ ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये 6-7 बातें मोदी जी ने की है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अलायंस लॉन्च किया गया है, ग्लोबल अलायंस टू कॉम्बेट पॉवर्टी एंड हंगर, इसके रिस्पेक्ट में मोदी जी ने इंडिया की अचीवमेंट्स गिनाई है। ठीक है, सच हो ना हो, आप बिलीव करते हो ना हो करते हो, लेकिन आंसर में लिखना पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये पूरे फैक्ट्स आप यहाँ पे से ही अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि यही है जो आपके आंसर को अल्टीमेटली इंट्रोडक्शन तैयार करके देंगे। जब सोशल इश्यूज पे क्वेश्चन आएगा, पॉवर्टी पे, हंगर पे, तो आपको यही फैक्ट्स लिखने होंगे।
नेक्स्ट इज स्पेस एक्स फैल्कन 9 डिप्लॉय इंडियन सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। नो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हमने किसी फॉरेन की प्राइवेट एजेंसी के थ्रू लॉन्च किया है और वो एजेंसी है स्पेस एक्स एलॉन मस्क की। एक्चुअली वो नंबर वन, वो मोस्ट नंबर वन है अमंग द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वो डिजर्व भी करता है। ठीक है, हमारे अंबानी अडानी की तरह नमक तेल सब्जियां बेच के ये छोटे 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 किराना शॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है वो। ठीक है, वो कुछ अलग ही लेवल पे चलता है। ओके, स्पेस एक्स उसने बनाया। तो यहाँ पे इंडिया की एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई है। ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में स्टैब्लिश की जाएगी। मैं ये आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले, इसलिए मैं इसमें दोबारा नहीं जा रहा हूँ। लियो अर्थ ऑर्बिट, जियो अर्थ ऑर्बिट, GTO, KA बैंड क्या होता है, KU बैंड क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पहले ही कमर्शियल आर्म हुआ करता था एंट्रिक्स, वो करता था ये सारी चीजें, लेकिन अब उसको रिप्लेस करके हमने क्या बनाया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विच इज नाउ ए कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। तो ये सैटेलाइट यहाँ पे एक प्राइवेट एजेंसी के थ्रू लॉन्च करवाई गई है। ठीक है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज को और इनफ्लाइट कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की गई है, बट ऐसा कुछ याद नहीं रखना है आपको। ओके, नाउ दिस इज इंडियाज फर्स्ट कोलैबोरेशन विद एलॉन मस्क स्पेस एक्स। बाकी हम लोग अपने यहाँ भी काफी रिफॉर्म्स किए हमने स्पेस में, ताकि हम लोग भी अपने प्राइवेट कंपनीज को डेवलप कर सकें स्पेस सेक्टर में। हाउ सस्टेनेबल इज इंडियाज पाथ टू नेट जीरो विद 45 ईयर्स लेफ्ट। नो, हमने टारगेट क्या रखा है नेट जीरो में, 2070 तक हम लोग नेट जीरो हो जाएंगे, राइट? बट ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, इसको मैं आपको आज नहीं, मे बी बाय टुमारो मैं इसको मेंस 450 प्लस में अलग से डिस्कस करूंगा कि इंडिया क्या पाथ ले रहा है इसमें, क्या स्ट्रेटेजीज है इंडिया की और अभी तक के लिए इंडिया ने इस डायरेक्शन में क्या कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो ये हाँ आपका एक मेंस का प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है टू बी ब्यूरोक्रेट से, कि आप आखिर फ्यूचर में हमने जो टारगेट सेट करे उनके लिए आपकी क्या प्लानिंग रहेगी, राइट? तो ये मैं आपके साथ कल मेंस 450 प्लस में डिस्कस करूंगा, ये अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, बाकी आप सेल्फ रीड करना चाहे कर सकते हैं, बट ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ कल मेंस में डिस्कस कर दूंगा। ओके, इट्स टाइम फॉर अफ्रीका, नाइजीरिया के रिस्पेक्ट में है, ये कल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, कल हमने इंडिया नाइजीरिया कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे आज एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब हमें यहाँ से करना है, विच इज हाउ कैन डिजाइन हेल्प बिल्डिंग बी मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट। अब यहाँ पे बात हो रही है हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स की। एक बार हमने अक्टूबर के मंथ में भी इसको डिस्कस किया था, आज भी हम लोग करेंगे इसको डिस्कस दोबारा। ओके, सो नाउ इस तरह की जब भी टॉपिक्स आते हैं हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग वगैरह के, सो मेक श्योर कि दो चार चीजें आपके दिमाग में, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए पहले से। अगर एक फ्रेमवर्क रेडी है माइंड में तो कंटेंट याद रखना फिर मुश्किल नहीं हो जाता, लेकिन अगर आप एक कंटेंट को याद रखने की कोशिश कर रहे हो बिना दिमाग में कोई फ्रेमवर्क हुए तो फिर चीजें दिक्कत देंगी। ओके, सो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग में पहले ये सोचिए क्या कि नीड क्या है हमें इनकी, क्या क्यों हम बात कर रहे हैं कि हमें इस तरह की बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, अब फिर अगर हमें ये बिल्डिंग चाहिए तो इनकी फीचर्स क्या होने चाहिए, क्या चीजें इंप्रूव होनी चाहिए उन बिल्डिंग में एज कम्पेयर टू दी कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल वंस। नेक्स्ट इज इन बिल्डिंग्स में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, हमें क्यों नहीं बना पा रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसमें, और वे फॉरवर्ड फिर क्या और फर्दर सजेशन आपकी तरफ से दे सकते हैं। ऑलराइट, सो बात जब हम कर रहे हैं नीड की, तो नीड में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो दो चीजें हैं, फर्स्ट एनर्जी एमिशन, सॉरी एनर्जी कंजम्पशन एंड कार्बन एमिशन। अब आप ये सोचेंगे कि बिल्डिंग तो नहीं करती ना ये सब, हाँ बिल्डिंग डायरेक्टली नहीं करती भाई, इनडायरेक्टली, क्योंकि जब आप सीमेंट बना रहे हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ कार्बन एमिशन हुए हैं। ठीक है, आपने ब्रिक्स लगाई हैं घर में तो उसमें भी कार्बन एमिशन हुए, उसके बाद यही कॉन्क्रीट से बना हुआ स्ट्रक्चर सनलाइट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, फिर इसी सनलाइट से होने वाली गर्मी की वजह से आप लोग एयर कंडीशन यूज करोगे। ठीक है, अगर वेल वेंटिलेटेड नहीं है, सनलाइट बाहर से नहीं आ रही, तो व्हाट यू विल डू, अगेन यू विल यूज मोर लाइट्स इन द हाउस। ठीक है, तो उस तरीके से ये एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा करती हैं जो बिल्डिंग्स अच्छी नहीं होती हैं, और क्योंकि वो एनर्जी कंजम्पशन कर रही है तो वही एनर्जी प्रोड्यूस करने में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है अगर आपकी बिल्डिंग एकदम ट्रेडिशनल वाली बिल्डिंग जो होती है। ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन हाई हो जाता है और उसकी वजह से ही कार्बन एमिशन ज्यादा होता है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे डेटा देखें तो बिल्डिंग कंज्यूम अराउंड 40% ऑफ दी एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, और कार्बन एमिशन के लिए अराउंड 28% कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बिल्डिंग्स। ओके, और अगर इंडिया लेवल पे आप ये बात, ये फैक्ट देखना चाहेंगे तो इंडिया में करीब 30% जो एनर्जी यूज है वो बिल्डिंग्स में हो रहा है, एंड 20% जो कार्बन एमिशन हो रहा है इंडिया लेवल पे वो इन बिल्डिंग्स की वजह से हो रहा है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी जो बिल्डिंग्स हैं इनको हाई परफॉर्मेंस बनाना जरूरी है। अब जब हाई परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो आगे फोकस किन चीजों पर हो रहा है,
फोकस हो रहा है कि यहाँ पे ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो बिल्डिंग्स, दैट इज वेल वेंटिलेटेड हो, ताकि फैन एसी वगैरह का यूज कम करना पड़े, वेल वेंटिलेटेड हो ताकि सनलाइट ज्यादा आए एंड जो लाइट्स हैं आर्टिफिशियल लाइट्स इनका कंजम्पशन थोड़ा कम हो, वो आपकी हेल्थ को तो प्रमोट करेगा ही, एट द सेम टाइम आपके यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन भी रिड्यूस करेगा। दूसरा, वाटर सेविंग को प्रमोट करे। फॉर एग्जाम्पल, आजकल मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आप कोई सोसाइटी में कोई बिल्डिंग बन रही है तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर पहले तैयार करेंगे, उसके बाद ही आपको ये सारे क्लियरेंस दिए जाते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें अगर होंगी तभी जाकर आप कह सकते हो कि आपकी जो बिल्डिंग है वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, राइट। उसी तरीके से ट्री प्लांटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब जैसे आजकल बिल्डिंग्स में क्या चल रहा है कि लोग ऊपर से वाइट पेंट करवा देते हैं, जस्ट अ सेकंड, या सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो यहाँ पे आजकल क्या कर रहे हैं लोग, व्हाइट रूफ करवाने लगे हैं ताकि सनलाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करे। ब्लैक कलर सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब करता है, व्हाइट रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो उस वजह से बिल्डिंग कम वार्म होगी तो कम एनर्जी फिर यूज होगी उसको कूल डाउन करने में, राइट। तो ये इन चीजों को काउंटर करने के लिए हमें जरूरी है कि हम लोग अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उनको हाई परफॉर्मेंस बनाएं, दैट इज दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कि इंडिया में ये एस्टिमेट है कि दैट बाय 2040 हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन ज्यादा होता जाएगा मल्टी बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये तो पॉसिबल नहीं कि सबको सेपरेट सेपरेट प्लॉट देके घर बनाया जाए, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बाय 2040 जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि बाय 2040 करीब 40% जो हमारी पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रह रही होगी, तो उसी के साथ साथ हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएगी, तो उतना ही ज्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना पड़ेगा और उसी के साथ साथ उतना ही ज्यादा एनर्जी एमिशन बढ़ता चला जाएगा, राइट। अब इस एनर्जी डिमांड को अगर हमें रिड्यूस करना है तो उसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें हाई परफॉर्मेंस बनाएं। ओके, इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी कुछ गोल रखे गए हैं, जैसे यूएनएपी का एक गोल रखा गया है कि हमारा जो ग्लोबल लेवल पर बिल्डिंग सेक्टर है इट मस्ट इंप्रूव इट्स एनर्जी एफिशिएंसी बाय 30% बाय 2030 टू मीट दी ग्लोबल टारगेट्स, क्लाइमेट टारगेट्स। तो अब अगर हमें ग्लोबल लेवल पर मदद करनी है यूएनएपी के टारगेट को अचीव करने में, दैट इज 30% रिडक्शन मस्ट 30% इंप्रूव करना है हमें अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को, तो उसके लिए भी हमें इस तरह के मेजर्स लेने की जरूरत है। ओके, सो ये बात हुई नीड की। नाउ जब हम बात कर रहे हैं फीचर्स की कि आखिर हमें इनमें क्या क्या फीचर चाहिए, तो वो ये सारी बातें आ जाती है कि हमारी बिल्डिंग ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो, और वो हो सकता है जब उसका जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन किया गया, जो ओवरऑल उसकी डिजाइनिंग की गई है वो कुछ इस तरह से की गई है कि नेचुरली वेंटिलेटेड हो, नेचुरल सनलाइट उसमें एंटर करे, एनर्जी का यूज कम से कम हो, रेन वाटर को हार्वेस्ट करे, वाटर सेविंग को प्रमोट करे, और उसी तरीके से ट्रीज वगैरह को यूज करे, ग्रीन शेड्स को यूज करे, या सोलार रूफ को यूज किया जाए एट द टॉप टेरेस पर, राइट। वो सारी चीजें कर कर ही हम अपनी बिल्डिंग को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं, राइट। लेकिन इसमें काफी सारे चैलेंजेस भी आते हैं। अब इस चैलेंज में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो बनता है वो है ऑपरेशनल ओवरलुक, ठीक है। चार पांच चैलेंजेस पर याद रखिए, इतना काफी होता है आपके लिए जितना आपको वर्ड स्पेस वहां पे दिया जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है ऑपरेशनल ओवरलुक में, जो डेवलपर होते हैं जब वो उस बिल्डिंग को बना रहे हैं, ठीक है, डेवलपर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मेन कंसर्न क्या रहता है कि मुझे बिल्डिंग बनाने की इनिशियल कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, मुझे शेड्यूल पे खत्म करना है इसको क्योंकि मैं एडवांस ले चुका हूँ अपने इन्वेस्टर से, ठीक है। डिजाइन अच्छा होना चाहिए, चाहे वो वेल वेंटिलेटेड हो ना हो, बट डिजाइन शुड बी गुड लुकिंग। तो वो इन सारे फैक्टर पे ध्यान देता है एंड ओवर लुक कर जाता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कैसा होगा, लॉन्ग टर्म एनर्जी कंजम्पशन को वो इग्नोर कर देता है पूरी तरीके से, क्योंकि उसको तो रहना भी नहीं है तो वो उसकी परवाह भी नहीं करता, ठीक है। तो फर्स्ट जो इशू बनता है वो है ऑपरेशनल ओवरलुक। दूसरा इशू बनता है, एक सेकंड मैं आपको शुरू में दिखाना भूल गया, ये एक्चुअली ये टीसीएस ने बनाया है और ये इनका वर्किंग स्पेस है, आप इसको देख सकते हैं। ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है पूरा, वाटर वगैरह के पूल्स बनाए गए हैं ताकि ये कूलिंग इफेक्ट रहे, और अंदर फिर आपका पूरा ऑफिशियल वर्क वगैरह बनता है, ठीक है, ये सब टीसीएस का बनाया हुआ है। तो इस तरह के अगर हम वर्किंग स्पेस वगैरह बनाते हैं तो ये एनर्जी कंजम्पशन को ऑलरेडी काफी कम कर देते हैं। ओके, सो नाउ सेकेंड चैलेंज इज डाइवर्स बिल्डिंग टोपोलॉजी।
देखिए, ऑफिस ऑफिस जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं उनका टाइप हो, कॉस्ट, सर्विस या कंफर्टेबल, ये सब वेरी करता है। जैसे आपने बड़ी कोचिंगों में देखा होगा, वो यूज करते हैं सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन सिस्टम, यानी कि एक सबसे बड़ा एसी लगा हुआ है ऊपर और उसमें वेंट्स बना के सारे हॉल्स में एसी लगा दी, कूलिंग की जा रही है, ठीक है। बट दूसरी जगह कुछ ऑफिस यूज कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज, लाइक हर एक हॉल में या हर एक रूम में सेपरेट सेपरेट एसी लगे हैं, जैसे घरों में लगे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हर एक जो ऑफिस बिल्डिंग है या जैसी भी बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें किस तरीके का आपको टाइप, कॉस्ट, सर्विस, कंफर्ट लेवल, ये सब सोचना पड़ता है उसमें। जैसे अगर आप एक जैसे बाजीराम का एग्जांपल लीजिए, क्लास में वहां पे ऑलमोस्ट 400 बच्चे एक साथ बैठते थे, और जो एसी था वो ऐसा सेपरेट नहीं था कि उसको वहीं से स्विच ऑन करके वहीं पे बंद कर दो, नो, वो सेंट्रलाइज एसी सिस्टम से चलता था। तो अगर आपको ठंड भी लग रही है बीच में क्लास में, तो आपको वहां से हट के दूसरी जगह बैठना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर एसी बंद करा दो, नहीं, वो पूरी बिल्डिंग का जो एसी सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था, राइट। तो इसलिए इसलिए सभी ऑफिसेज में अलग अलग तरीके का होता है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज स्प्लिट इंसेंटिव। अब स्प्लिट इंसेंटिव में यहां पर जो भी इस चीज में वर्क करेगा इसके बेनिफिट के लिए, अब उसका ये रहता है कि यहाँ पर जो बेनिफिट होंगे एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए, अगर मैं कुछ कर रहा हूं, अब ये जो बेनिफिट होंगे तो वो किसको जाएंगे, वो बेनिफिट वो टेनेंट को जाएंगे या ओनर को जाएंगे, या फिर उनकी ये जो सिस्टम लगाए उनके मेंटेनेंस कौन बियर करेगा, ओनर बियर करेगा या टेनेंट बियर करेगा, राइट। ये सारी चीजें रहती है, इसलिए जो इंसेंटिव्स हैं ये काफी स्प्लिट होते हैं, इसलिए दोनों ही इंटरेस्ट नहीं लेते फिर इस चीज में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है यहाँ पे वो है कि हमने अपना इंडिजिनस नॉलेज खो दिया इसमें। इंडिजिनस नॉलेज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप कभी फतेहपुर सीकरी जाइएगा, वहां बुलंद दरवाजा बनाए, और अब उन लोगों ने किस तरीके से बनाया था वो, कि आप इस दरवाजे के बस 2 कदम बाहर आ जाइए, इट इज वेल हॉट, ठीक है, आपके पैर भी जलेंगे, लेकिन बस 2 कदम अंदर चले जाइए, इट इज एब्सोल्यूटली कूल, ठंडी हवा भी आएगी आपको, नो नो मैटर कि आप अप्रैल में जा रहे हैं या मई में जा रहे हैं, आप बुलंद दरवाजा से थोड़ा सा 2 कदम अंदर जाइए, इट्स एब्सोल्युटली कूल, और 2 कदम बाहर आ जाइए, इट इज एब्सोल्युटली हॉट। ये सब क्यों था? क्योंकि ये इंडिजिनस नॉलेज जो था इनको कि हमें किस तरीके से बनाना है, वो सब हमने खो दिया। क्यों? क्योंकि आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉरेन की कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि हमारा से पार्लियामेंट हाउस बना दो या ये गवर्नमेंट बिल्डिंग बना दो, ठीक है, जैसे सिंगापुर की कंपनी ने बनाया है आंध्र प्रदेश का सेक्रेटेरिएट अभी, ठीक है। तो हमने फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन डिजाइन और एडवाइजर्स, इनके थ्रू अपना जो इंडिजिनस नॉलेज था, क्योंकि हर क्लाइमेट कौन से मंथ में कितना तपता है, किस तरीके का, और यहाँ पे किस तरह का स्टोन यूज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमने खत्म कर दी। हमने फॉरेन टेक्नोलॉजीज, फॉरेन नॉलेज, उसको ज्यादा इम्यूलेट किया, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा आपको, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स का पार्ट है। यहाँ पर एक चीज लेके आई गवर्नमेंट, इको निवास संहिता है। उसके बाद सेकंड थिंग इज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड गवर्नमेंट लेकर आई यहाँ पर। सिमिलरली गवर्नमेंट ने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी 2022 में, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए। उसी तरह से इंसेंटिव देने के लिए एक निर्माण अवार्ड्स लेकर आए थे, ठीक है, कि आप कितना एनर्जी एफिशिएंसी बना रहे हो, और साथ में गृह स्कीम भी लेकर आए थे, ठीक है। ये था हमारा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट। ओके, तो ये कुछ गवर्नमेंट के मेजर्स थे। हमने नीड्स जान ली, हमने फीचर्स जान लिए इसके, जो ऊपर लिखे हैं चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। वे फॉरवर्ड की अगर आप बात करें यहां पर, तो वे फॉरवर्ड में आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू अडॉप्ट एन एनवेलोप एंड पैसिव सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस? देखिए, एनवेलोप स्ट्रेटजी हमें उन्हें कहते हैं जैसे वॉल्स हैं, विंडोज है, रूफ असेंबलीज, या फिर रिफ्लेक्टिव व्हाइट सरफेस बना देते हैं, या शेडिंग, ठीक है, ट्रीज वगैरह से। उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो सोलर हीट गेन है वो रिड्यूस हो जाता है बिल्डिंग का, राइट। अगर व्हाइट सरफेस है तो कम रिफ्लेक्ट कम एब्सॉर्ब करेगा। छत पे आपने सोलर पैनल लगाए हुए हैं तो आपकी छत कम गर्म होगी। अगर आसपास आपने ट्रीज लगाए हुए हैं अपने घर के अराउंड, तो ये ओवरऑल जो हीट गेन है वो कम हो जाता है, आपका जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी हेल्थ और एनवायरमेंट को तो बेनिफिट करता ही है, एट द सेम टाइम ये आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको भी रिड्यूस कर देता है, राइट। सेकेंड वे फॉरवर्ड कुछ भी दी हॉलिस्टिक इवेल्युएशन, ठीक है, दैट इज कि हमें इसको हर कॉस्ट हर स्टेज पर देखना होगा, दैट इज ऑपरेशनल,
यानी कि जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी उस टाइम पर, दूसरा एनवायरनमेंट की नजर से भी देखना होगा कि आपको कितना बेटर ये एनवायरनमेंट के साथ जा रहा है, और दूसरा कि अल्टीमेटली ये जो बिल्डिंग बनी है ह्यूमंस के लिए कितना बेनिफिट देगी। ठीक है, कई बार लोग 1 लाख 2 लाख रुपए कम में घर मिल जाता है ले लेते हैं, बट वो बाद में रियलाइज करते हैं कि यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत पुअर है, सफोकेशन टाइप फील होता है, कोई विंडोज नहीं है, अगर वो है भी तो आसपास की गलियां इतनी पतली है कि कोई बाहर की हवा घर में नहीं आ सकती। ओके, तो यहां पर हॉलिस्टिक वैल्यूएशन में हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि इस बिल्डिंग में एनर्जी सेविंग का कितना स्कोप है जब आप घर खरीद रहे हैं, दूसरा क्या यहाँ पे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो रिड्यूस किए जा सकते हैं इसमें कोई डिजाइन चेंज करके, दूसरा कि जो ऑक्यूपेंट है उसकी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा इस बिल्डिंग में रहने से और उसकी प्रोडक्टिविटी पे क्या पड़ेगा। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स की तरह अगर रूम लेके रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका रूम थोड़ा वेल वेंटिलेटेड है, ओपन है, सनलाइट आ रहा है, हवा आ रही है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर रहेगी, थोड़ा पढ़ाई में मन लगेगा। अगर वो एकदम बंद टाइप का है बिल्कुल कि बस गेट खोला तो कुछ है वरना पूरा बंद है, ठीक है, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी नेगेटिव असर डालता है, तो ये सब भी ऑक्यूपेंट को देखना चाहिए। नेक्स्ट इज वी नीड टू अडॉप्ट द टेलर्ड स्ट्रेटेजीज। टेलर स्ट्रेटेजीज में वही जो मैंने आपको बुलंद दरवाजा का एग्जाम्पल दिया, दैट वी नीड टू अडॉप्ट दिस इंडिजिनस, क्योंकि हर जगह का इंडिया में क्लाइमेट अलग है, वहां के लोकल जो लोग हैं वो बेटर जानते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से बिल्डिंग बनाने पे ज्यादा होगा। जैसे आपने कश्मीर में देखा है हम लोग इस तरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं, कश्मीर में आप फ्लैट रूफ नहीं बना सकते, वरना इतनी आई बर्फ इकट्ठी होगी यहाँ पर कि वो दब जाएगा पूरा, राइट, इसलिए वो लोग इस तरह के रूफ बनाते हैं। तो इंडिजिनस जगह का आइडिया इंडिजिनस लोगों को ही होता है, और हमेशा हम बाहर के लोगों से बनवा लेंगे वो ठीक नहीं। आजकल यही चल रहा है इंडिया में कि गुजराती कंपनियों को सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, गुजराती कंपनी को, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, एमपी आ जाइए, बिहार आ जाइए, वहां पे कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो गुजराती कंपनीज इंप्लीमेंट कर रही हैं। और उसके बाद एक और वर्ड जो आपके आंसर में हमेशा मूव दिखना चाहिए, दैट इज हैवेक। ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारा हमेशा नेचुरली मिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, जब नेचर के थ्रू नेचुरली कोई चीज कूल हो सकती है या वार्म हो सकती है तो उसको उसी से होने दीजिए, नेचुरल सनलाइट में अपना काम हो सकता है तो उसमें होने दीजिए, आप एनर्जी वगैरह और ज्यादा कंजम्पशन ना बढ़ाएं। ठीक है, तो ये वर्ड जरूर आप अपने आंसर में एंश्योर कीजिएगा। एनीवे, तो ये टॉपिक खत्म हुआ हमारा बिल्डिंग का, हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग। आगे चलते हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम, इसमें हम लोग ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, इसमें दो ही चीजें याद रखनी है आपको, फर्स्ट इज कि इस स्कीम का एम क्या है, और दूसरा कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन नहीं। गोल क्या रखा गया है कि हम लोग यहाँ पर 1 करोड़ यूथ को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराएंगे 1 साल की, राइट। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, और वो पोर्टल कौन मैनेज कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एजुकेशन वगैरह में मत चले जाना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये पोर्टल को मैनेज किया है। इसमें 4,500 रुपए का आपको मंथली स्टिपेंड दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, प्लस 500 कंट्रीब्यूट करेगी जो जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो फ्रॉम देयर सीएसआर फंड। ओके, इसके अलावा जब आप ज्वाइन करोगे तो 1 टाइम 6,000 रुपीज आपको दिए जाएंगे, ये 1 टाइम होंगे गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अलावा आपको कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इंश्योरेंस दिया जाएगा एट द सेम टाइम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स एक इंटर्न इंटर्न को मिलेंगे। इसके अलावा एलिजिबल कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, हु आर एलिजिबल। फर्स्ट थिंग इज कि जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है सिर्फ वही एलिजिबल होंगे, अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, दिस इज वन थिंग। अगर आपके घर में कोई भी एक फैमिली में गवर्नमेंट जॉब में है कोई, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, आप भी एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपकी फैमिली में किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है। दूसरा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। देन नेक्स्ट इज, अगर आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़े हो, फॉर एग्जाम्पल IIT, IIM, IISER, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट, CMA, अगर आप इनसे पढ़े हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, और आपकी एज 21 से 24 साल के बीच ही होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं हो सकती। एंड इसके अलावा कि आपने क्लास 10 पास किया हो एटलीस्ट क्लास 10, ये नहीं कि आप 8वीं पढ़े और आप कह रहे हो कि मुझे इंटर्नशिप कराओ, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, तो ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे आपको। नेक्स्ट इज,
क्रेमलिन स्लैम्स बाइडेन डिसीजन टू लेट कीव स्ट्राइक डीपर इन रशिया। अब अभी तक यूएसए ने अपनी मिसाइल्स यूक्रेन को यूज करने नहीं दी थी रशिया के अंदर स्ट्राइक करने का, वो सिर्फ वहां यूज कर सकते थे जहां पर रशिया ने उसकी टेरिटरी को कैप्चर किया है। बट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ कर दिया है कि कीव अब चाहे तो स्ट्राइक कर सकता है और फॉर्मली अभी तक दिया नहीं है ऑर्डर, लेकिन बाइडेन ने एटलीस्ट अपनी तरफ से एग्री कर दिया है। तो रशिया कह रहा है कि इससे लड़ाई और ज्यादा डिवास्टेटिंग हो जाएगी। क्रेमलिन सेड ऑन मंडे दैट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन विल फर्दर इन्फ्लेम टेंशंस बाय अलाउइंग यूक्रेन टू यूज लॉन्ग रेंज मिसाइल फॉर स्ट्राइक इनसाइड रशिया। मेजर पॉलिसी शिफ्ट, दिस वॉज लॉन्ग डिमांडेड बाई यूक्रेन एंड इट वॉज इन रिस्पॉन्स टू नॉर्थ कोरिया डिप्लॉइंग ट्रूप्स टू हेल्प मॉस्को वॉर एफर्ट। अब ये अमेरिका का कहना है अभी कि हम ये अलाउ नहीं करते, लेकिन नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स रशिया की तरफ से फाइट कर रहे हैं यूक्रेन के अगेंस्ट, इसलिए हमने इसको सैंक्शन दिया है। बट सच्चाई ये है कि दिस विल पुट नाटो एट वॉर विद रशिया। अब यू नो लोग ट्रंप की जीत को लेकर चाहे कितनी भी बातें करें, बट आई पर्सनली बिलीव कि उसमें ये एक बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर था, बिकॉज यूएसए की जो पब्लिक है वो चाहती है कि ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है ये खत्म हो, बिकॉज एवरीवन नोज कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम क्या डिजास्टर हुआ था और कोई नहीं चाहता कि मेजर पावर्स इस तरह की लड़ाई में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ट्रंप ने जब प्रॉमिस किया था कि ये लड़ाई कुछ नहीं है, आई विल जस्ट एंड इट विद इन अ वीक, ये कोई बड़ी बात नहीं है, रशिया के साथ आई विल डील, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का एक था कि हाँ ट्रंप जैसा ही कोई स्ट्रांग आदमी है जो ये डिसीजन ले सकता है कि इस वॉर को खत्म करना है और रशिया को ये अश्योरेंस देना है कि नाटो यूक्रेन को कभी एडमिट नहीं करेगा। ठीक है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बस की बात नहीं है, ये सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ही कर पाएगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था वोटर्स के माइंड में कि हमें वर्ल्ड में पीस चाहिए, हमें डिवास्टेटिंग वॉर्स नहीं चाहिए दोबारा, ऑलरेडी वर्ल्ड देख चुका है पहले। अब बांग्लादेश को देखिए, जिन पाकिस्तानियों से जूते खाए थे उन्हीं के पास ये वापस आ गए। फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो शिपमेंट फ्रॉम पाकिस्तान अराइव्स इन बांग्लादेश चिटागोंग पोर्ट, दिस सिग्नल शिफ्ट इन टाइज। तो मैंने आपसे उसी टाइम कहा था जब शेख हसीना को हटाया था कि इसके बाद बांग्लादेशी जो लोग हैं इनके लिए ट्रबल और ज्यादा बढ़ेंगे। वो लेडी फिर भी ठीक थी, बट दिस मोहम्मद यूनिस जो बने हैं, हालांकि ये नोबेल लॉरिएट है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, बट ये उतने ज्यादा इफेक्टिव इंसान नहीं है। कहीं ना कहीं रेडिकल्स बहुत ज्यादा सर उठा रहे हैं इनके टाइम में। उस टाइम काफी स्टूडेंट्स मूवमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, हिंदू हो मुस्लिम हो कुछ भी हो, लेकिन आज बांग्लादेश में काफी सारे हिंदूज के अगेंस्ट काफी सारे वायलेंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन हिंदूज में से भी काफी सारे यूथ एज अ स्टूडेंट, ठीक है, वो एक स्टूडेंट की तरह मूवमेंट में शामिल तो हुए थे, बट ये मूवमेंट रेडिकलाइज हो गया। इसलिए मास मूवमेंट कभी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अगर वो एक बार गलत हाथों में चली गई तो फिर आप रेडिकल एलिमेंट्स, और हमेशा होता है किसी भी तरह की जो मूवमेंट होती है ये रेडिकल लोगों के हाथों में जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इंडिया हैव बीन क्वाइट लकी कि हमारे यहाँ हमेशा पावर का एक स्मूथ ट्रांजिशन देखा गया है, बट अभी पिछले कुछ सालों से जो हो रहा है, जिस तरीके से 90% मीडिया वन साइडेड हो चुका है, सरकार का माउथपीस बन चुका है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि उससे होता ये दैट मीडिया का काम है कि वो नीचे की जो पब्लिक की जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको पहुंचाए गवर्नमेंट तक, ठीक है, ये उसका काम होता है, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके बेनिफिट पब्लिक तक पहुंचाए। बट अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे पब्लिक को सिर्फ वन वे ट्रांसमिशन की जा रही है गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन, लेकिन पब्लिक की जो कंसर्न्स हैं उनको गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, बल्कि मीडिया इस लेवल तक बिक चुका है कि हमें बस पब्लिक के जो कंसर्न है उनको उल्टा मिसगाइड करना है। स्टूडेंट्स के कंसर्न जेन्युइन होते हैं एग्जाम लीक को लेकर, अभी यूपी में जो हुआ, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने, मीडिया ने इस तरीके से दिखाया कि ये तो जो अखिलेश यादव की पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये बच्चों को भड़का रही है। नहीं, बच्चों का कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन था। अगर आप कोई एग्जाम दो दिन में करा रहे हो ना अलग अलग शिफ्ट में, और उसके बाद कह रहे हो कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इसमें बहुत स्कैम होता है। ठीक है, कोई इजी नहीं है ये काम, बहुत स्कैम होता है। बच्चों की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन थी, लेकिन मीडिया ने इस तरीके से प्रोपगेट किया। किसानों की डिमांड भी जेन्युइन थी, लेकिन उसमें भी मीडिया ने क्या किया, खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हमारा भी मीडिया जो कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली, कि पब्लिक के दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, इन्फ्लेशन को लेकर। चलो इन्फ्लेशन एक बार को फिर भी मैनेज हो जाता है, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होता है, लोगों के पास एक इनकम होती है, तो वो इन्फ्लेशन फिर भी मैनेजेबल है। बट एट द सेम टाइम आप आज कोई इंसान अगर पैसे कमा रहा है, आप उसका 45% टैक्सेस के फॉर्म में ले रहे हो उससे। ठीक है, क्यों अमीर आदमी सीए वगैरह रख के और ये सब चोरी कर रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, या फिर वो दुबई और सिंगापुर जैसी जगहों पे बेस शिफ्ट कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि वो अपनी इनकम का इतना परसेंट टैक्स नहीं दे सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। दुबई में 0% इनकम टैक्स है, 0% कॉर्पोरेशन टैक्स है, तो वहां जाके अपनी कंपनी रजिस्टर करेगा। बस प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो सरकार इग्नोर कर रही है कि ये जो 7.5 लाख से ज्यादा लोगों ने जिन्होंने मेंबरशिप छोड़ी है, देश की सिटीजनशिप छोड़ी है, ये 7.5 लाख कोई आम लोग नहीं थे, ये वो रिच लोग थे, ये वो बिजनेस थे जो देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते थे।
लेकिन ये जब माइग्रेट कर जाता है ना, तो ये अपने साथ अकेले नहीं जाते हैं, ये अपने साथ काफी सारे जॉब्स भी लेकर जाते हैं जो इंडिया में क्रिएट हो सकती थी। अफ्रीकन पेंगुइन इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड। तो यहां पर ये अफ्रीकन पेंगुइन, इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN में, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। मेनली ये साउथ अफ्रीका में भी मिलता है हमें, और इसको इसकी जो थ्रेट बन रहे हैं वो है लैक ऑफ फूड, क्लाइमेट चेंज, डिस्टर्बेंसेस, प्रेडेटर, डिजीज, ऑयल स्पिल, बट द बिगेस्ट थ्रेट इज न्यूट्रिशन। सिर्फ इसका IUCN स्टेटस याद रखिएगा, कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।